हेलो दोस्तों, मैं रंजीत और आज मैं आपको स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के पहले 45 मिनट में से 25 हिडन डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। मैंने 2 घंटे 15 मिनट की इस फिल्म को 3 पार्ट में डिवाइड करने का फैसला किया है। इस तरह से ना केवल मुझे हर एक डिटेल को एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है, बल्कि मुझे नई वीडियो को जल्दी से अपलोड करने में भी हेल्प मिलता है। साथ ही मैं 40 या 50 मिनट की एक लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, जो कि लगभग एक शॉर्ट फिल्म जितनी लंबी हो जाए। तो आपने सही समझा कि ये 3 पार्ट के वीडियो का पहला पार्ट है। आपका कोई और समय बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इस फिल्म की शुरुआत में हमें 2 राइटर फिलिप लॉर्ड्स और क्रिस्टोफर माइल इंट्रो में दिखाई देते हैं। इन दोनों की फिलिप माइल्स नाम की खुद की प्रोडक्शन कंपनी है और ये वही लोग हैं जिन्हें हम स्टार्टिंग के लोगों में देखते हैं। नंबर 2, फिल्म की शुरुआत में हम ग्वेन स्टेसी द्वारा अपने यूनिवर्स में अपने बैंड के साथ ड्रम बजाते हुए देखते हैं। अब सोनी ने यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग का काम किया है, जो कि आमतौर वो अपने ट्रेलर के साथ करते हैं। इस बार उन्होंने इसे इस फिल्म में अप्लाई किया है। सोनी ने एक्चुअली में कैरेक्टर के कुछ हिस्से को दिखाया है, जो कि पूरी फिल्म में हमें दिखाई दिए हैं, और कुछ बाकी हैं जो हमें अगले पार्ट में दिखने को मिल सकता है। एक्चुअली उन्होंने पूरी फिल्म की एक झलक दिखाई है, जिससे हमें पता चले कि आगे हमें क्या देखने वाला है। हमें मिगुएल ओहारा के साथ एक शॉट देखते हैं, जो माइल्स को वो मल्टीवर्स के बारे में समझा रहे थे। हम ग्वेन स्टेसी का एक शॉट देखते हैं, जो बिना मास्क के स्विंग कर रही है। माइल्स और ग्वेन्स के बीच के इंटीमेट बातचीत की भी एक झलक देखते हैं। हम पुराने फिल्म की भी एक शॉट देखते हैं, और फिर ग्वेन्स का एक शॉट देखते हैं, जब मिगुएल द्वारा उसके यूनिवर्स में वापस भेजा जा रहा था। और अंत में हम माइल्स के डैड और इंडियन स्पाइडरमैन के डैड की झलक देखते हैं। नंबर 3, ग्वेन स्टेसी के बैंड का नाम और कोई नहीं बल्कि द मेरी जेन है। नंबर 4, इस सेम सीक्वल में हम देखते हैं कि ग्वेन्स के यूनिवर्स में पीटर पार्कर हमेशा से जानता था कि ग्वेन्स ही स्पाइडर वुमन है, जिसे उसने मरने से कुछ सेकंड पहले ही रिवील करता है। अभी समझ में आता है, क्योंकि एमजे या ग्वेन स्टेसी के और दूसरे वर्जन जानते थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इसलिए इस यूनिवर्स में जहाँ ग्वेन सुपर हीरो है, तो पीटर पार्कर है जो उसकी असलियत जानता था लेकिन सीक्रेट रखा था। नंबर 5, पीटर पार्कर के मरने के बाद कैप्टन का मानना था कि स्पाइडर वुमन ने ही उसे मारा है। अब ये बात ग्वेन को काफी ज्यादा परेशान करने लगती है, क्योंकि वो अपने पिता को सच नहीं बता पा रही थी। ग्वेन अपने पिता को ये नहीं बता पा रही थी कि वो स्पाइडर वुमन है और उसने पीटर पार्कर को नहीं मारा। अब इस बारे में एक ध्यान दीजिएगा, जब ग्वेन खिड़की से अपने घर को एंटर करने वाली होती है, तो वो रिफ्लेक्शन में अपने खुद को देखती है स्पाइडर वुमन की ड्रेस में, जबकि रियल लाइफ में उसने कोई भी स्पाइडर वुमन का ड्रेस नहीं पहना था। इससे ये इंडिकेट होता है कि वो खुद को सिर्फ ग्वेन्स की तुलना में स्पाइडर वुमन के रूप में अधिक देखती है, और वो मेंटली भी सफर कर रही है, क्योंकि वो अपने पिता को सामने अपना सच नहीं बता पा रही है। नंबर 6, जब ग्वेन्स ने अपने पिता को अपनी असलियत पहचान बता दी, तो एनिमेटर ने यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग का काम किया है। ध्यान दें, कैप्टन की इस सीन में 2 अलग अलग कलर का यूज करते हुए हमें दिखाया गया है। एक साइड रेड कलर है, जो कि ग्वेन्स के बातों को इंपॉर्टेंस दे रही है, जबकि दूसरे कलर ब्लू कलर होता है। ये कलर दर्शाता है कि कैप्टन अपने ड्यूटी और बेटी को सपोर्ट करने के डिसीजन के बीच में खड़ा है। और जब ग्वेन्स एक कदम आगे आती है, तो कैप्टन अपनी ही बेटी पर बंदूक तान देता है, और इस बार उसे पूरी तरह से ब्लू कलर में दिखाया गया है, जिससे रेड कलर पूरी तरह से चला गया है। कलर का ये चेंजेस बताता है कि एक पुलिस ऑफिसर के रूप में उसकी ड्यूटी एक पिता पर पूरी तरह से हावी हो गई है। ऐसा लगता है कि इस फिल्म के 2 अलग अलग कहानी है। एनिमेटर अपने सूटेबल मेथड और स्किल का उपयोग करते हुए अपनी कहानी बता रहे हैं। नंबर 7, स्पाइडरमैन 2099 उर्फ मिगुएल ओहारा के पास कोई भी स्पाइडर सेंस नहीं है, इसलिए जब वो ग्वेन से बात कर रहा था, पीछे से वल्चर के वार को वो नोटिस नहीं कर पाया। अब बहुत से लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन अगर आपने स्पाइडरमैन एज ऑफ टाइम गेम खेला होगा, तो आपको याद होगा कि स्पाइडरमैन 2099 के पास कोई भी स्पाइडर सेंस नहीं है। हालांकि उसके पास एक सिमिलर एबिलिटी है, जिसे एक्सेलरेटर वर्जन कहा जाता है। नंबर 8, इस फिल्म में हमें एडिटर नोट लिटरली सीन्स के बीच में देखने मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे कॉमिक्स में होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब मिगुएल ओहारा वल्चर से लड़ रहा होता है, तो मिगुएल कहता है कि वल्चर के पास हैमर स्पेस है, और वहीं हमें एक तुरंत एडिटर नोट देखने को मिलता है, जिसमें बताया गया है कि हैमर स्पेस क्या है। वो कहता है, एन इन्फिनिटी एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्टोरेज एरिया फॉर कार्टून हैमर। और इसी तरह एक और एडिटर नोट हमें देखने मिलता है, जब स्पाइडर पंक कहता है, हमारे पास स्कूबी डू नहीं है। वहीं द स्कूबी डू का मतलब है नो क्लू, यानी कोई सुराग नहीं। कॉमिक पढ़ने वाले सभी जानते हैं कि एडिटर का नोट कॉमिक के पेज पर बार बार आता है, ताकि वो एक्सप्लेन कर सके कि आगे क्या हो रहा है। नंबर 9, जब वल्चर टूटे हुए पिलर से अपना सिर टकराता है, तो वहीं हमें नॉटी नॉटी वर्ड स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब नॉटी का मीनिंग इटालियन में रात होता है, जो कि समझ में आता है, क्योंकि 14वीं शताब्दी में इटली में आंदोलन शुरू हुआ था, जहां से वल्चर का ये वर्जन आया था। नंबर 10, इस फिल्म के पहले ही एक्शन सीक्वल सीन में वल्चर फेमस आर्टिस्ट जेफ कून द्वारा बनाए गए बेलून डॉग को डिस्ट्रॉय कर देता है। यही कारण है कि सोनी ने क्रेडिट सीन में जेफ कून को धन्यवाद दिया। नंबर 11, पहली बार हम माइल्स को देखते हैं इस फिल्म के इस शॉट में, लेकिन यहाँ एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर ध्यान दें कि ये कहता है,
ब्लैक लीफ मैटर। और फिर हमें एक सीन देखते हैं जहाँ हमें मस्जिद देखने मिलता है। मुझे ये छोटे हिडन डिटेल्स पसंद हैं जो फिल्म को अट्रैक्टिव बनाते हैं। नंबर 12, पहली बार जब हम द स्पॉट कैरेक्टर को देखते हैं तो माइल्स एक्चुअली में उस पर वेब शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि स्पॉट मल्टी डायमेंशन बीइंग है और उसके पूरे शरीर में पोर्टल है, और इसीलिए जब माइल्स अपने वेब शूट करता है तो स्पॉट उसके चेहरे का पोर्टल यूज करता है और माइल्स का वेब उसी के खिलाफ कर देता है। यह एक बार फिर होता है जब माइल्स मुक्का मारने की कोशिश करता है तो पोर्टल की वजह से वो अनजाने में खुद को मार लेता है। और ये सीधा कॉमिक बुक से रेफरेंस लिया गया है जहां स्पाइडरमैन द स्पॉट को मारने की कोशिश में खुद को मार लेता है। नंबर 13, माइल्स के इंट्रोडक्शन में वो कहता है कि मैंने हर तरह के बुरे लोगों को पकड़ता रहा हूं। और वहीं हम माइल्स को लीफ फ्रॉग विलन से लड़ते हुए देखते हैं और फिर केविन द हंटर से लड़ते हुए देखते हैं। नंबर 14, माइल्स के लेट डू दिस फॉर द लास्ट टाइम इंट्रो में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसके आर्ट बुक में उसने लिखा है व्हाट्स माय स्टोरी क्वेश्चन मार्क के साथ। और फिल्म के अंत में माइल्स बताता है कि मिगेल की तरह, और वो हर किसी को बताते बताते थक गया है कि उसकी कहानी कैसी होनी चाहिए। तो फैक्ट ये है कि माइल्स एक्चुअली में अपनी पहचान और पर्पस पर फोकस करता है, और फिल्म के अंत में वो किसी और के बजाय अपनी डेस्टिनी को खुद लिखने का फैसला करता है। नंबर 15, इस सीन में जब माइल्स स्पॉट को पकड़ने की कोशिश करता है तो नोटिस करिए कि माइल्स का राइट पैर स्पॉट के बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर पूरी बॉडी आर पार हो जाती है और एक टेबल के शेप में, और लास्ट में स्पॉट स्पाइडरमैन के फेस को अपने पोर्टल पे फेस को रिप्लेस कर देता है। मुझे पक्का श्योर है कि एनिमेटर ने जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी उन्होंने दिखाने की पूरी कोशिश की स्पॉट के पोर्टल के साथ। नंबर 16, जब माइल्स को रियलाइज होता है कि स्पॉट ना केवल स्पाइडरमैन के पंचर्स को रोक रहा है बल्कि वो उसी के खिलाफ कर देता है, तो माइल्स एक नई आइडिया के साथ आता है और वो स्पॉट के सिर को पकड़ने के लिए वो उसी का पोर्टल का यूज करता है। इससे पता चलता है कि माइल्स कितनी तेजी से अपने दुश्मन को और उनकी पावर को समझने की काबिलियत रखता है ताकि उन्हें हरा सके। नंबर 17, हम माइल्स को अपने नए सूट को डिजाइन करते हुए देखते हैं जहां वो कई सारे डिफरेंट स्पाइडर लोगो और सूट कलर को ट्राई करता है, लेकिन फाइनली जो स्पाइडर सूट रेडी होता है वह एक्चुअली में माइल्स के पास पहले से ही एक अलग ही सैंपल कट पीस होता है। मतलब वो पहले कहीं ना कहीं सिंबल को देखा होगा और उसे पसंद आने पर डिसाइड किया कि वो अपने नए सूट को इसी तरह डिजाइन करेगा। नंबर 18, इस फिल्म में हम देखते हैं कि माइल्स के यूनिवर्स की आंटी मे अब फ्लोरिडा शिफ्ट हो गई है। ध्यान दे ट्रक के टैगलाइन को जिसपे लिखा होता है योर स्टफ इज आवर स्टफ, यानी आपका सामान हमारा सामान है। नंबर 19, माइल्स हमें बताता है कि उसने कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट भी किए थे जिनमें से एक बेबी पाउडर प्रोडक्ट होता है, और उसके एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर लिखा होता है कि महान पाउडर के साथ महान जिम्मेदारियां आती है, लेकिन तभी ये बेबी पाउडर खराब प्रोडक्ट निकलता है और माइल्स को इसके लिए माफी मांगने वाली एक वीडियो बनानी पड़ती है। लेकिन नोटिस करें कि माइल्स की इस यूट्यूब वीडियो पर 69 मिलियन डिसलाइक मिला है। नंबर 20, माइल्स उन लोगों की बहुत सारी पेंटिंग बनाता है जिनसे वो प्यार करता है, जहां ग्वेन स्टेसी ऑफ कोर्स मेन फोकस पर है, लेकिन नोटिस करिए कि उसने अपने अंकल एरोन की भी काफी सारी पेंटिंग बनाई है। उनमें से एक रेस्ट इन पीस के जगह रेस्ट इन पावर लिखा होता है। ये इंडिकेट करता है कि माइल्स अभी भी अपने अंकल को एक सुपर हीरो के तौर पर देखता है, ना कि विलन के तौर पर। नंबर 21, जब माइल्स अपने रूम में एंटर करता है तो वहां हम उसके रूममेट गैंगली से मिलते हैं। यहां नोटिस करें कि गैंगली एक्चुअली में मार्वल की PS5 स्पाइडरमैन 2 खेल रहा था, और मजे की बात यह है कि गेम का ये फुटेज अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया है। नंबर 22, स्कूल में मॉम डैड की मीटिंग में माइल्स एक्सेप्ट करता है कि उसने 6 क्लासेस मिस कर दिए, लेकिन फिर उसकी टीचर कहती है इसे हम अभी भी बचा सकते हैं। यह सुनकर माइल्स के पिता कहते हैं आई एम सॉरी, आपने क्या कहा, उसे हम बचा सकते हैं। अब माइल्स के डैड एक पुलिस ऑफिसर है और बचाओ वर्ड उनके काम में मुजरिम को बिना सजा दिए छोड़ देना होता है, इसलिए टीचर की इस वर्ड से केवल माइल्स के डैड को चिंता होने लगती है, क्योंकि जो गलती माइल्स ने की है उसे उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी उसके डैड के अनुसार। नंबर 23, लीगो यूनिवर्स में डेली बिगल ऑफिस के अंदर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और अखबार का नाम द लीगो न्यूज है, और यहाँ लैपटॉप का ब्रांड का नाम भी बस लीगो लिखा होता है। ये भी नोटिस करें कि बैकग्राउंड में एक हेडलाइन लिखा होता है डॉक्टर ओक्टा अभी भी बड़े पैमाने पर, मतलब ये यूनिवर्स टोबी के यूनिवर्स के सेम टू सेम नकल है, जहां पीटर पार्कर डेली बिगल में काम करता था जे जॉनर जेमसन के लिए और डॉक्टर ओक्टा मेन विलन है। नंबर 24, जब स्पॉट अपनी ओरिजिन स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा होता है तो वो बताता है कि जो स्पाइडर माइल मोलाइल्स को काटने वाला था वो दरअसल दूसरे यूनिवर्स का यानी अर्थ 42 का, और वो ये भी बताता है कि कैसे वो स्पाइडर इस यूनिवर्स में आया यानी एल्कमाई कोलाइडर टेस्ट में। लेकिन यहाँ ध्यान दें कि एक्चुअली में जो स्पाइडर माइल्स को काटने वाला था, जो कि यूनिवर्स 42 का रहने वाला था, उसके पास चोटी है। ये वही माइल्स है जिसे हम मूवी के एंड में देखते हैं, जो कि अभी अपने अंकल एरोन की जगह पे पावलर बन गया है। नंबर 25, जब स्पॉट वेनम की यूनिवर्स में जाता है यानी अर्थ 68, वहां उसने गम का एक पैकेट चुरा लेता है मिसेज चेन के स्टोर से। अब गम के पैकेट पर ध्यान दें कि उसका नाम वेनमिंट होता है। दोस्तों पार्ट 1 के लिए इतना ही। मैंने इस वीडियो में फिल्म के पहले 45 मिनट को कवर किया है, पार्ट 2 में अगले 45 मिनट को कवर करूंगा, और पार्ट 3 में आपको इस चैनल के अब तक के सबसे बेस्ट वीडियो देने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में।